रामानंद सर हैं जिन्होंने अपनी अथक मेहनत और प्रयास से इस गांव के हर बच्चे को एक ही समुदाय के हर समुदाय के यहाँ पर बच्चे और उन्होंने आज उनकी मेहनत का जान लगाए हैं। अब उस सबसे जानना चाहते हैं वो क्या रामबाम दिए थे जिसके वजह से आज सभी बच्चे उस उम्मीद पर खड़े उतरे हैं। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और सर हम जानना चाहते हैं हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए हम चाहते हैं ऐसा क्या रामबाम दिए थे कोरोना काल के बावजूद बच्चे ने आज जो अंक लाया है जी। सबसे पहले हमने अच्छे अच्छे नंबर लाने के लिए इसके लिए मैं गार्जियन को विद्यार्थी को और शिक्षक तीनों को समान रूप से दायित्व दूंगा। हमने उस तक हम लोग के यहाँ बहुत तबके के बच्चे थे जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे थे जो पढ़ने में बहुत जुनून था बट आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। मैंने ऐसे विद्यार्थियों को भी सहयोग किया, निःशुल्क सेवा प्रदान किया जिसे कहीं पैसा वैसा मतलब नहीं था। हम लोग अपने दिन दिमाग से मेहनत करके अच्छे से अच्छे मेहनत किए और हम लोग मतलब पिछले पैटर्न को देखते हुए मेन रूप से उस तरह से तैयारी कराने का हर संभव कोशिश किया और जिसका परिणाम स्वरूप इस बार सबसे अच्छा नंबर विद्यार्थियों ने मेहनत करके हम लोग को दिया। सवालों को आगे सर बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह से उनका एक कोरोना काल ने अपने जहन में हर किसी को दबोच लिया था, सरकार ने सीधे तौर पर गाइडलाइन जारी कर दिया था कि घर से निकलना दुश्वार हो गया था, हर चीज पर रोक लगे थे। उस दौरान आपके मन में क्या आ रहा था कि जिस बच्चे के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ उसका क्या होगा? जी, इसके लिए विद्यार्थियों ने हम लोग को सलाह दिया सर ऑनलाइन चला दीजिए, लेकिन कुछ मैं दो चार वीडियो ऑनलाइन भी चलाया लेकिन फिर पुनः इस तरह से कोरोना कम हुआ तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए एक बेंच पे दो दो स्टूडेंट को पढ़ा के और हमने अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाया। आखिरी सवाल सर करना चाहते हैं कि जिस तरह से विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने में सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उस गांव समाज से क्या कहना चाहते हैं जहाँ के जो टीचर जो शिक्षित हैं इलाके जो टीचर हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं चाह तो रहे हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, विद्यार्थियों में आजकल विद्यार्थी प्रतिभावान है क्योंकि उसको सही राह और सही गाइडलाइंस नहीं मिलने के कारण वो गलत रास्ते को अख्तियार कर लेते हैं। तो हम लोग का और आगे जो भी महानुभाव जो भी शिक्षक विद्यार्थियों को सलाह देते हैं हम तो कहना नहीं चाहते हैं कि आगे विद्यार्थियों को जो है सही ढंग से जो है उसके मतलब प्रतिभा को जाने और उसको आगे बढ़ाने का हर संभव कोशिश किया। इस तरह से सरकार भी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आदमी साबित हो गया है, आपने साबित कर दिया है लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। आज कोरोना काल झेल के गरीब माता पिता से जो ही बन पाया वो मांग करते हुए यानी कष्टमय जीवन बिताते हुए भी आज जो इस गांव का नाम रोशन किया है उस घर परिवार और उस छात्रा के लिए क्या कहेंगे? जी, हम लोग लड़का लड़की को दोनों एक रूप से देख रहे थे बट उन छात्राओं में जिज्ञासु बहुत ज़्यादा था, लड़कों से ज़्यादा जिज्ञासु था, इसीलिए हम लोगों ने बढ़िया से मेहनत किया और लड़के ने अच्छा अव्वल नंबर लाए। आगे सर उन लोग कुछ क्या ड्रीम है, क्या आपको कुछ ऐसा बताया कि मैं क्या बनना चाहती हूँ? जी, लड़कियों ने हम लोग को तरह तरह का प्रस्ताव रखा सर हमको आगे जाके ये करना है तो मैंने जहाँ तक संभव हुआ उसको आगे के लिए दिशा निर्देश दिया और हमेशा कहा कि कोई भी समस्या आ जाए हम लोग से संपर्क में रहिए, आप लोग को दिशा निर्देश समस्या दिया जाएगा और आगे भी अपने गाँव समाज माँ बाप का नाम रोशन करा। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है और ये आज साबित पर फिर से हो गया है और जिस तरह से सर ने कहा कि मैंने अथक प्रयास किया अथक मेहनत किया ताकि जो भी बच्चे या बच्चियाँ यानी छात्र छात्राएँ चाहे इंटर का हो मैट्रिक का हो वो अच्छे से पढ़ाई करें और जो उनके माता पिता और गाँव समाज जो चाह रहे हैं और साथ साथ जो मैं भी चाह रहा था वो जरूर हासिल करें। आज साथ इसी वजह से आज देश के आज के समाजता महोदय मांडेट महोदय जो है यहाँ आए और उन्होंने भी कहा नहीं प्रतिभा गाँव में ही होती है क्योंकि लोगों का कहना होता है कि गाँव में प्रतिभा नहीं होती है
लेकिन समय समय पर उस चीज़ को दिखाया जाता है और उस चीज़ से अवगत कराया जाता है कि प्रतिभाएँ जो है छिपी हुई है समय समय पर निकल के आती है। बाकी मैं भी चाहता हूँ इसी तरह हर जगह के बच्चे बच्चियाँ आगे बढ़ें, गांव समाज राज और देश का नाम रोशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए बेगूसराय।